नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से अस्मिता। अरे वाह। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से अनुकृत। और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से मंजरी। शार्क्स, एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार जब एक ग्रामीण महिला कमाती है तो उसका 90% हिस्सा वह अपने परिवार में पुनः निवेश करती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार। लेकिन पुरुषों के मामले में ये केवल 35% ही होता है। जब ये बात मैंने जानी तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो कम से कम 10 लाख ग्रामीण महिलाओं का विकास कर सके। बस इसी से शुरुआत हुई फार्म दीदी की। मैंने MBA के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, लेकिन एक प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब था, जो था बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करना। जो वेरियस डेवलपमेंट एरियाज थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट चूज़ किया। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं ताकि वुमेन एम्पावर हो सकें और एक नहीं लाखों हो सकें। बस उसी के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। इस डायरेक्शन में काम करने के लिए मैं गांव में रही और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, कैसे वो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनकी नेचुरल टैलेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग हो सकती है। आज हमारे घर में हर औरत खाना बनाती है, तो उनके पास स्किल्स तो है ही है, तो इन्हीं को हमको एक प्लेटफॉर्म देना था जिनके लिए वो अपना ये स्किल यूज करके इनकम कमा सके। आज हमारी दीदियाँ गांव की पारंपरिक तरीकों से अचार और चटनियाँ बना रही हैं। फार्म दीदी आज अपनी मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को फूड बिजनेस की ट्रेनिंग देती है और गांव जाकर वहाँ उन्हें क्वालिटी और हाइजीन के साथ फूड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती है। हमारे अब तक 1500 से अधिक दीदियाँ हमसे जुड़ चुकी है, जिसमें से 70 से अधिक दीदियाँ फार्म दीदी बन चुकी है। तो शार्क्स, हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से देश के लाखों परिवार तरक्की करें, और अपने इस मुकाम को तेजी से हासिल करने के लिए हमें चाहिए आपका आशीर्वाद और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 2% इक्विटी के लिए। ऑलराइट, नमस्कार। 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 एक काफी बोल्ड लक्ष्य के साथ आपने अपनी पिच सुनाई कि 10 लाख महिला को आपको रोजगार देना है, तो ये 10 लाख नंबर आया कहाँ से? सर, एक बात क्लियर थी कि जब अपनी इतनी अच्छी फैंसी जॉब्स को छोड़ के कुछ काम करना था तो बहुत बड़ा करना था, छोटे मोटे के लिए तो नहीं छोड़नी थी जॉब, असल तो करनी थी। मेरे ख्याल से विनीता मैम भी हमेशा यही कहती हैं, तो फिर बड़ाई क्यों ना करें। तो ये एक तरह से सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका पर्पस ड्रिवन बिजनेस हो गया। यस यस यस। और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यस। थोड़ा सा बताइए, आपने कहा जॉब्स, फैंसी जॉब्स पर्टिकुलरली, सो आई वांट टू हियर अबाउट दीस फैंसी जॉब्स एंड योर बैकग्राउंड्स। तो मैंने अमरावती से अपना इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में। ओके। और फिर मैंने MBA किया जब मैं अपना जॉब कर रही थी IT में। पूरा 16 इयर्स का अच्छा खासा IT एक्सपीरियंस है। ओके, ग्रेट। बहादुरगढ़ में मैंने स्कूलिंग की। अरे वाह। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी हरियाणा रोडवेज में। वाह। बहादुरगढ़ से दिल्ली रोज रामजस कॉलेज में। क्या बात है। और उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इंफोसिस विप्रो में 5 साल। अस्मिता दी और मैं, हम रूममेट्स होते थे पुणे में। फिर मैंने MBA की IIM कलकत्ता से। फिर एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म AT कार्नी में मैंने इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। AT कार्नी में क्या प्रोजेक्ट्स करते थे आप? सर, मैंने गवर्नमेंट्स के साथ बैंकिंग, फाइनेंस और FMCG सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स? फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। मैंने KPMG में सेम ड्यू डिलीजेंस ही किया था, कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस। एंड यू? मैंने लखनऊ से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी, फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैंने ग्रेटर नोएडा में DPS में वहाँ पे पढ़ाई करी, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में था। Oh, फिर उसके बाद और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट था मारुति में, मैंने 2 साल काम किया। फिर मैंने MBA किया IIM कलकत्ता से, और उसके बाद मैंने टोटल एनर्जीज करके एक ग्लोबल एनर्जी फर्म है वहाँ पे ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद हम लोग टच में थे, तो जब फार्म दीदी के बारे में सुना और हमारा विजन अलाइंड था तो देन वी ज्वाइंड। तो आप सबने अपनी जॉब छोड़ के इस वेंचर को शुरू किया है? यस जी। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू थॉट कि इसमें ज्यादा पैसे बनेंगे? बिकॉज मतलब मैं अपना पॉइंट अगर बोलूं तो एक था कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो,
और उसको करने में मजा आया। मतलब जब आप घर जाते हैं शाम को तो आपको लगे कि हाँ यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो पीस ऑफ माइंड भी मुझे चाहिए थी। वो संतुष्टि मिल रही है आपको इस काम में? जी सर बिल्कुल मिलती है, इसीलिए हम गांव-गांव जाते हैं, दीदियों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, और जो इम्पैक्ट है भले ही वो आज जिस भी स्केल पे हो बट उसको इमेजिन करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। कोई स्टोरी बताइए, आपने किसी की लाइफ अपलिफ्ट करी तो क्या क्या इम्पैक्ट लाया है? एक दीदी के जैसा एक लड़का है और वो देखती है कि भाई उनके आजू बाजू की जो लेडीज हैं उनके बच्चों को बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए, बाहर मीन्स महाराष्ट्र में बाहर अच्छी स्कूल में, तो वो भी चाहती कि मेरा भी बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो जो हमारे साथ जुड़ी उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उन्होंने भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में वो डाल सकी। तो वो हमेशा ये धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। एक दीदी की बेटी है तो वो आज तक उस बेटी को सोने की बालियाँ नहीं दे पाई थी, तो हमारी वजह से उनको जो ऑर्डर्स मिली और जो पैसा कमा पाई उससे उन्होंने सोने की बालियां गिफ्ट करी। तो वो उन्होंने हमको मेंशन किया, दीदी हम बहुत खुश है कि आपकी वजह से हम ये कर पाए। एक विडो लेडीज थी तो उनके घर में रिस्पेक्ट बढ़ गई क्योंकि वो कमाने लगे हैं। तो बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। अच्छी बात कि मन भरता नहीं है। तो ये 10 लाख जो विमेन को आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज द इनकम लेवल दैट यू वांट टू ग्रो? सर आज के टाइम में हमारी दीदियां 5 से 10 हज़ार की इनकम महीने की कर पा रही हैं। और आपसे पहले उनकी क्या इनकम होती थी? सिर्फ समझ लो या तो इनकम थी नहीं या 1000 या 2000 जो खेती में काम करके जो लेबर वर्क मिलता है। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? मैम इनका ये रजिस्टर तो 2 साल हो गए इस कंपनी को। मेरे को याद है एक कल की बात है, फार्म दीदी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कुछ अच्छा। कुछ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मैं दिलवाऊंगी आपको। मैं आपको उनकी बात याद दिला रहा था कि उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है जी। अमन तेरे इमेज को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? हर सीजन में तू दिखता है जन्मों का भुक्कड़, जन्मों का भुक्कड़। बट इफ आई एम नॉट मी देन आई एम नॉट मी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीट पर बैठ के, पहले मिलता है। सबसे पहले तो आम का अचार जो सबको सबका फेवरेट आम का अचार है, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। इसमें नीम के पत्ते भी डले हैं। मेरे पापा और भाई का फेवरेट चिली पिकल भी है जिनको तीखा बहुत पसंद है। मुझे भी तीखा पसंद, चिली पिकल बहुत अच्छा है। थैंक यू, मैंने ट्राई किया। और एक खट्टा मीठा नींबू का अचार है जो हर लड़की का फेवरेट होता है। लेमन पिकल बहुत अच्छा। ये जो आपने सर्व किया है ना बहुत अच्छे से किया है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड बहुत यम्मी अचार है। थैंक यू। करेला का अचार मैंने पहली बार खाया। हां जी, वो ऑयल फ्री भी है। मैं खाती नहीं हूँ करेला, लेकिन मुझे करेला का पिकल बहुत पसंद आया। एंड मेरे जैसे गुज्जू को अगर छुंदा पसंद आया मतलब आपको अप्रूवल मिल गया, अभी सिर्फ थेपले की कमी है। तो ये बताएंगे ये अचार की सप्लाई चेन कहाँ कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं? हमारा MOU साइन हो रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो वहाँ से हमको दीदियों की लिस्ट मिलती है। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, गॉट इट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, अंडरस्टूड। फिर हम उनके साथ मीटिंग, जूम मीटिंग अरेंज करा के अपने ऐप के बारे में बताते हैं, जहाँ से वो इंस्टॉल करके ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी टीम ऑफलाइन जाके भी उनके साथ काम करती है। सेकेंडली हम प्रीमिक्स भिजवाते हैं क्योंकि अभी हमको पिकल्स की सेम टेस्ट चाहिए, बाकी उनके पास जो वेजिटेबल्स हो गए जैसे इमली हो गया, मैंगो हो गया, वो उनका होता है। फिर अलग लोगों की अलग अलग इमली की क्वालिटी होगी तो फिर नहीं सर, हमारा एक वेंडर फिक्स कर लेते हैं कि इमली यहाँ से आएगी और उसका लैब टेस्ट करा लेते हैं। हमारी टीम इन्वॉल्व होती है प्रोक्योरमेंट में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। फिर उसके बाद उनको हमारी टीम जाके रेसिपी डिटेल में सिखाती है कि ये प्रोडक्ट की ये रेसिपी है, और तब तक हमारी टीम उनके साथ रहती है जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन जाता कि हाँ दीदी अब सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, वो बना सकते हैं। उसके बाद हम अपने तरफ से SOPs बना रखे हैं जो उनको समझाते हैं कि आप हर बार जब बनाओगे आपको ये फॉलो करना है। रेगुलर ऑडिट्स भी होते हैं, हमारी टीम जाके खुद करती है, सरप्राइज ऑडिट्स भी होते हैं। एक बार जब बन जाता है प्रोडक्ट वो हमारे वेयर हाउस में आता है, वहाँ पे लैब टेस्ट होती है, pH लेवल चेक करते हैं हम लोग, एसिडिटी चेक करते हैं, पैलेट टेस्टिंग करते हैं, तब वो जाके पैक होके कस्टमर्स के पास पहुंचता है। अभी मैंने नोटिस किया आपने मैन्युफैक्चर्ड बाय के नीचे हर एक महिला का नाम लिखा है। हाँ जी। एंड आई वाज चेकिंग कि हर जा में नेम सेम है पर हर जा में नेम अलग है। हाँ जी। तो ये मतलब उनको कितना अच्छा लगता होगा कि उनका नाम किसी चीज पे है, नॉट ओनली इनकम बट एक सर्टेन रिस्पेक्ट मिलता है बाय पुटिंग इट ऑन द लेबल, और ये मैंने कहीं पहले नहीं देखा। वेरी नाइस, सो आई हैड टू पॉइंट इट आउट। तो अभी धंधे पे चलते हैं, सेल्स बता दो। बता दीजिए। 6 लाख, 7.6 लाख और 10.1 लाख, ये हमारा लास्ट 3 मंथ्स का सेल है।
साल वाइज? फर्स्ट ईयर में हमारा 55 लाख का सेल था, हमने जून 2022 में सेल्स स्टार्ट किया था और अभी तक इस साल हमारा 60 लाख के अराउंड सेल हो चुका है। और साल तक कितना होगा? सर 1.5 CR का वैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। सप्लाई प्रॉब्लम है या डिमांड प्रॉब्लम? अभी हमारे लिए डिमांड जनरेट करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि दीदी हमारे पास हैं जो रेडी हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं। कहाँ बिक रहा है ये माल? अराउंड 50% हमारी वेबसाइट पे रहता है, 30% मार्केट प्लेसेस पे और कुछ 20% हमारा ये ओन वेबसाइट पे। ROAS क्या है आपका? सर हमारा ऑलमोस्ट 3 का ROAS है। क्या बात है। और Amazon पर? 2.7 2.8 के 2x आपको लगता है लोग देंगे पैसा? सर हमारे भी खर्चे कम होंगे लॉन्ग टर्म में तो, बट हमारे कस्टमर्स जो है, हमारा कन्वर्जन रेट अगर हम बोलें तो 6% है, जो काफी अच्छा है, जो हमें अभी फिलहाल लगता है, बट स्केलेबल नहीं होता है ना ये सब। कन्वर्जन रेट जब आप 3 लाख खर्च कर रहे हो और जब आप 3 करोड़ खर्चोगे अलग हो जाएगा। मैम इंडिया में जो बिकता है ना वो स्वाद बिकता है। प्राइस पॉइंट बैरियर हो जाता है ना, तो ट्रायल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैम हमने सेम प्राइस में ट्रायल पैक्स भी रखे हैं। हाँ। तो जो कस्टमर्स एक प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते उनको हम 4 पिकल्स का ट्रायल पैक देते हैं फॉर द सेम प्राइस, फॉर द सेम रीजन। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके बनाती है जहां ऐसे घर का टेस्ट आता है। आप कैसे एक पैन इंडिया ब्रांड बनाएंगी, आपका विजन क्या है? अभी जो कैटेगरी है इसमें हर रीजन वाइज टेस्ट फ्लेवर्स होते हैं और जैसे गुजरात का पिकल अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, तो एक तो इसी कैटेगरी में हमें पेनिट्रेट ज्यादा करना है रीजनल फ्लेवर्स लाके। इससे तो सिर्फ SKUs बढ़ेंगे, स्केल कैसे बढ़ेगा, सेल्स? मुझे लगता है कि ये ब्रांड आराम से ऑनलाइन 50 करोड़ तक आराम से बन सकती है, उसके बाद ऑफलाइन में जाना होगा, प्लस मुझे लगता है एक्सपोर्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अचारों का। तो एक्शन प्लान नहीं है, आपकी कुछ आइडियाज है बट यू नॉट क्लियर एग्जैक्टली कैसे हो। आप प्रॉफिटेबल हैं अभी, मार्जिन कितना है बिजनेस में? 65% ग्रॉस मार्जिन है। आप पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए। 10 लाख रुपए आपका सेल्स है ना? जी सर। 65% ग्रॉस मार्जिन है, तो ऊपर से नीचे तक बता दीजिए आप। 35% हमारा मार्केटिंग में जाता है, उसके अलावा 15% हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है, अराउंड 7-9% हमारा डैमेजेस और ओवरहेड्स में जाता है, फिर उसके बाद हमारा जो नेट मार्जिन बचता है वो 7-10% फ्लक्चुएट करता है। तो अभी आज की तारीख में आपके 10 लाख में लाख रुपए बच रहे हैं? यस, दिस इज नेट मार्जिन है, बट हमारा जो बर्न अगर मैं कहूँ तो हमारा बर्न अभी अराउंड 3.5-4 लाख है। जब उन्होंने पूछा था प्रॉफिट, आपने बोला हाँ, पर उन्होंने बोला नहीं 3-4 लाख का बर्न है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है अनुकृत है आप में? नहीं नहीं मैम, यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉफिटेबल है, बट टेक्निकली प्रॉफिटेबिलिटी इज कंपनी लेवल। लेकिन आप तो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, तो आपने 1 करोड़ सेल्स के लिए 25 करोड़ वैल्यूएशन कैसे मांग लिया? प्रायर राउंड हुआ है क्या कोई? या इससे पहले प्रायर राउंड हुआ है। कितने पे? कितने पे? 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे हमने फंड्स रेज किए। किससे? ये हमारा एक तो आई एम कलकत्ता इंक्यूबेशन पार्क वहाँ से, और साथ में कुछ आई एम कलकत्ता के एंजल्स हैं वहाँ से। कितना पैसा उठाया? सर 1 करोड़ 33 लाख। 1 करोड़ 33। एंड फ्लोर क्या था? मैम कोई फ्लोर नहीं था, फ्लोर डिस्काउंट। ओके, आप CEO है कंपनी? यस, मैं चीफ दीदी हूँ। मैं चीफ दीदी, आई लाइक। और इक्विटी स्प्लिट क्या है आप तीनों का? मेरा 32% है, अनुप का 32, दीदी का 17%। आप लोग अपने आप को सैलरीज देते हो? सर हम तीनों 60,000 महीने का ड्रॉ करते हैं सैलरीज। पर आप लोग नॉर्मली तो ज्यादा आईएम वगैरह में तो अच्छी सैलरीज थी ना पहले? तो घर चल रहा है और खुश है फिलहाल तो। मुझे आपके प्रोडक्ट्स का टेस्ट बहुत पसंद आया, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि मार्केट है हैंडमेड थिंग्स। आपने 25 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, आपकी सेल्स है 1 करोड़। ऑप्टिमिस्टिक भी अगर मैं आपको वैल्यूएशन दूं तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती हूं। तो आई थिंक ये 20 करोड़ का वैल्यूएशन करके थोड़ी सी आपने गलती कर दी है, थोड़ा सा आपने सेल्स के हिसाब से एंड नॉट आपके एम्बिशन एंड फ्यूचर सेल्स के हिसाब से आपने वैल्यूएशन मांगना चाहिए। दैट इज माय सिंसियर फीडबैक, आई एम आउट। चलिए, वो कहते हैं ना यार, कभी किस्मत बनती है अपने आप से, कभी किस्मत बनती है मित्तल जाप से। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, बट आई डोंट थिंक ये वैल्यूएशन में कोई सेंस बन रहा है। तो इट्स अ टफ, वेरी टफ डिसीजन फॉर यू, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस राउंड को भी कंप्लीटली रीसेट करना पड़ेगा। 50 लाख फॉर 10%, सो वैल्यूएशन ऑफ 5 करोड़, स्ट्रेट एक्विटी,
That's my offer. आप फार्म दीदी चलाते हैं, हम दृष्टि दीदी चलाते हैं। अच्छा। Okay. मेरी वाइफ चलाती है। Okay. और एक डेढ़ साल पहले शुरू किया था, अभी 15,000 दृष्टि दीदी बना दी है हमने। Okay. राइट, आप जितने पैसे तो नहीं कमाते 5-10 हजार, पर 3-5 हजार रुपए बन जाते हैं उनके। Okay. Just by checking eyes of people. मुझे लगता है मैं काफी मदद कर सकता हूँ, जो राजस्थान का पूरा बेल्ट है, आप उनसे ये काम भी कराइए, बिकॉज दैट मे नॉट बी फुल टाइम, राइट, और उनकी इनकम लेवल 15,000 हो जाएगा और फिर डिमांड जनरेशन किया जा सकता है। एंड बिकॉज आपका बैकग्राउंड इतना स्टेलर है, तो मैं भी आपको सेम ऑफर देता हूँ। आई वुड एक्चुअली लाइक टू पार्टनर विद अनुपम, इफ अनुपम इज ओके ऑफ कोर्स। लव द फैक्ट कि आपका इतना बड़ा एम्बिशन है ऑफ 10 लाख वुमेन, हमारी भी 3,500 वुमेन है, एंड वो वुमेन को एम्प्लॉय करने में बहुत अलग प्रॉब्लम्स भी आते हैं, राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वुमेन, इट्स अबाउट देम नॉट हैविंग दैट सपोर्ट। तो वो जो बैरियर्स हैं टू मेक दैट मिशन हैपन, मतलब विच इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साउंडिंग मिशन, बट इट्स यू नो, अगर ऐसा गोल ना हो जो आपको यू नो 40-50 साल तक ड्रिवन रखे, तो फिर वो गोल में मजा ही कम है। सो आई विल गिव यू एन ऑफर विच आई थिंक इज फेयरली स्टीप, पर मेरे को ये सोलो करना है, बिकॉज प्रोडक्ट एंड आपका मिशन बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, एंड आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट दीज द वुमेन, द दीदीज दैट यू वर्क विद, ठीक है? तो मैं आपको 50 लाख ऑफर करती हूँ फॉर 5%, विच इज अ 10 करोड़ का वैल्यूएशन। 10 करोड़ का वैल्यूएशन, सीधा 5-10, वेल डन। विनीता का ऑफर बहुत अच्छा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, क्योंकि आपको हेल्प तो मिली गई है और वो अचार क्वीन बन जाएंगी, क्योंकि उनके पास झाजी भी है और ये भी है, तो अचार बेचने की एक्सपर्टीज तो आ ही जाएगी उनमें। मैं आई थिंक ये जो ऑफर आपको मिला है, मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो आई एम आउट। अगर पीयूष को करना है दैट वैल्यूएशन, ही कैन डू इट अलोन। मेरा ऑफर वही है, 50 लाख 10%। आई थिंक विनीता अकेले करना चाहती हैं, अगर वो अकेला नहीं करना चाहते तो फिर भी मैं जुड़ जाता। चलो विनीता, आप अकेले क्यों करना चाहते हैं? पूछ सकती हूँ, क्योंकि पीयूष बहुत पकाएगा। ये भी ट्रू है। छोटा डील है, इस मल्टी शार्प डील का स्कोप नहीं है। क्या हम थोड़ा समय ले सकते हैं? आप डिसाइड करके आए। Welcome back. सबसे पहले थैंक यू फॉर द ऑफर, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने कंपनी सेटअप की थी तो मैंने एक 10 करोड़ वैल्यूएशन से कुछ इन्वेस्टर्स को वोट किया था, तो पहला राउंड मेरा 43 लाख का हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एक 20 करोड़ वैल्यूएशन कैप पे किया था। अच्छा, वो आपने बताया नहीं था पहले। तो विनीता, क्या ऐसा हो सकता है कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे उसी पे आए, लेकिन मैं आपको जो शेयर्स जो रिमाइंडर है उसको एज ए एडवाइजरी शेयर्स आपको मैं दे पाऊं? हां, ठीक है। सो इफेक्टिवली मेरा वैल्यूएशन होगा जो 10 करोड़ मैंने ऑफर किया था, एंड उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे इन अ इक्विटी प्लस एडवाइजर, यस, एट 20 करोड़ वैल्यूएशन, और जो बाकी शेयर्स हैं वो एज एन एडवाइजरी एक एडिशनल इक्विटी आप कार्व आउट करके मुझे ऑफर करेंगे, राइट? पीयूष सर, हम आपके साथ वो दृष्टि दीदी के लिए जरूर जुड़ना चाहेंगे। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इजीयर, वी विल गिव यू 1 करोड़, ओके? 50 लाख अरे उसको नहीं करना अकेला। ए ए, एक सेकंड, अभी उसको बोलने दीजिए, यू फिनिश। इफ शी इज ओके, शी इज ओके, इफ अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो बिकॉज़ आई थिंक वी वांट 5% ईच मिनिमम ऑन द सेम टर्म्स, so then you have 1 crore of money. Guys, let's make a decision. For the didis. Okay, Vinita, you are okay? If it is mine, 50 lakh 5% stays, so wo kisi ko bhi nahi. Kya decision hai? Bataiye final. Sir, dono mein rahenge to bahut acha hai. Chaliye. Chaliye, to bataiye, deal pakki? Pakki. Pakki, deal pakki. All right, congratulations, guys. Good one. अब हर घर में होगी फार्म दीदी। अरे वाह, लवली। और विनीता दीदी, विनीता और पीयूष भैया। थैंक यू, थैंक यू।